राधे कृष्ण दोस्तों, हमारा यह जन्म युगल सरकार के प्रति समर्पित है। इसमें हमें कहीं अटकना नहीं चाहिए, बस एकमात्र नाम में रहना चाहिए। भक्तों का, साधकों का उद्देश्य ही होना चाहिए कि नाम ना छूटे। अनुष्ठान का मतलब होता है संपूर्ण जीवन भर उनके ही नाम में रहना। अनुष्ठान एक संख्या के काल तक कभी सीमित नहीं होना चाहिए, अनुष्ठान संपूर्ण जन्म तक होना चाहिए। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद प्रमाद स्थिति आती है। मान लो आपने आज 64 माला का नियम ले लिया, तो 64 माला जपने के बाद मन आपको कहेगा कि आपका नियम पूरा हो गया, अब इसे छोड़ दो, तो इस स्थिति में हम फंस जाते हैं। इसलिए अनुष्ठान पूर्ण जन्म का ले, एक हफ्ता एक माह तक का ना ले। मन मर गया, इच्छा रहित हो गई और नाम का मनन नित्य चल रहा है, तो यही अनुष्ठान है। साधकों को एक जन्म में जितना अधिक से अधिक नाम लेने को मिलेगा, उतना ही अधिक नाम लेना चाहिए। भगवान को स्मरण करते रहना चाहिए, लेकिन अनुष्ठान पूरे जीवन का होना चाहिए। प्राण निकल जाए पर नाम ना छूटना जाए, कितनी भी विपत्ति संपत्ति आए पर नाम ना छोड़े। यह अनुष्ठान ही हमारे काम का है। हमारे काम का मतलब हम साधकों का, उपासकों का, ये काम का अनुष्ठान है। इसलिए ऐसा अनुष्ठान लो कि जीवन में कोई श्वास ठाकुर जी के खिलाफ ना हो, कोई ऐसा श्वास ना हो जिसमें राधा कृष्ण का नाम ना हो। पर अगर एक क्षण के लिए भी विस्मरण की अगर भावना आ जाए तो हमारा हृदय व्याकुल हो जाना चाहिए। यही अनुष्ठान लेने की खास बात है, यही अनुष्ठान है। और अनुष्ठान में बारंबार नाम या मंत्र ना बदले, एक ही नाम के ऊपर बने रहे, तब ही उसका फल प्राप्त होता है, अन्यथा उसका फल प्राप्त नहीं होगा। शुभम भवतु, कल्याणमोस्तु।